नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूं बाजार का मूल्यांकन, इसका मतलब वेज टू इवेल्युएट मार्केट, वो कैसे करेंगे। काफी सारा बड़ा विषय है ये, मगर मैं कुछ चंद पॉइंट्स उसमें बताऊंगा आपको। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सन्मित्र बैंक का चेयरमैन हूँ और वहाँ हम काफी जो हमारे बोरोवर्स हैं उनको हम कोचिंग करते रहते हैं, तो उसमें से मैं आपको ये वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ। क्या है कि बाजार का मूल्यांकन आपको करना जरूरी है। हमारे पास में काफी लोग आते हैं कि जो लोन लेते हैं उनको हम पूछते हैं कि आपने इवेल्यूएट किया है क्या मार्केट। तो उसमें जो चंद पॉइंट्स है आपको बता रहा हूँ। नंबर एक, मार्केट में अर्जेंसी है कि आपके प्रोडक्ट की कितनी अर्जेंसी है। जैसे अभी एक कोविड का एकदम ये ब्रेकआउट हो गया, तो उसमें अर्जेंसी होगी पीपीई किट्स की, सैनिटाइजर की, मास्क की, मतलब इतनी अर्जेंसी हो गई कि लोगों ने बेभाव बेचना चालू कर दिया, माल कम पड़ने लगा, जैसा जहां जिसको देखा वहां से उसने खरीदी करना चालू कर दिया। इतनी अर्जेंसी तैयार हुई थी मार्केट में। तो अर्जेंसी मार्केट में आपके प्रोडक्ट की है क्या, कितनी अर्जेंसी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मार्केट साइज कितना है, मतलब मार्केट कितना है उसका। समझो अभी मुझे ज्वेलरी का एक शॉप डालना है, तो अभी मैंने ये देखना पड़ेगा मुझे कि भाई इसमें अभी समझो अभी अकोला है, तो अकोला में कितने रुपए का ज्वेलरी रोज बेचे जाता है, गोल्ड कितने रुपए का है, सिल्वर कितने रुपए का है, डायमंड कितने का, मतलब टोटल मार्केट साइज कितना है। या समझो कोई हॉस्पिटल खोलना है, तो हॉस्पिटल खोलना है तो अकोला में कितने पेशेंट रोज आते हैं, और सब प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के कितने पेशेंट अपना इलाज करके रोज जाते हैं, मार्केट साइज समझो। ये मार्केट साइज है कि मुझे पता चला कि अकोला में 200 हॉस्पिटल्स है, और 200 हॉस्पिटल में एवरेज में एक हॉस्पिटल में 20 पेशेंट भर्ती है, एवरेज में बता रहा हूं मैं। तो 200 × 20 मतलब 4,000 पेशेंट भर्ती है ऑलरेडी। अब 4,000 पेशेंट यदि भर्ती है, और ऐसा कुछ है क्या कि हॉस्पिटल एकदम खचाखच भरे हुए हैं, जगह नहीं है कुछ हॉस्पिटल्स में, तो फिर हॉस्पिटल खोलना, नया हॉस्पिटल खोलना उसके लिए मतलब वो वायबल प्रोजेक्ट हो जाएगा, और मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है, अर्जेंसी भी है, और वो हॉस्पिटल चल जाएगा, तो वो हमें सर्वे करना होगा। तीसरा जो है प्राइसिंग पोटेंशियल, कितनी प्राइस मैंने रखनी चाहिए, लोगों का कितना पोटेंशियल है खरीदने का, कितने भाव से क्या भाव से लोग खरीदेंगे, प्राइसिंग पोटेंशियल क्या है। समझे अकोला जैसे भी छोटी सिटी है, तो इसमें अभी 5 स्टार होटल किसने खोला तो चलेगा नहीं, क्योंकि प्राइसिंग उसका करेंगे और 5 स्टार होटल की सेवाएं देंगे, 5,000 रुपये रोज का देंगे, तो वो प्राइस लोगों को पचनी नहीं पड़ेगी, और वो डाइजेस्ट भी नहीं होंगे, और वो चलेगा भी नहीं, क्योंकि इतना है ही नहीं पोटेंशियल, तो कहाँ से चलेगा। तो वो प्राइस रखेंगे भी नहीं, और वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो मार्केट की जरूरत भी नहीं है, और उतना प्राइस लोग लेंगे भी नहीं। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि कोका क्या है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कोका, कि एक कस्टमर मुझे लाना है तो वो मुझे कितने में पड़ेगा, मतलब मुझे कितना उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग में कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वो कस्टमर मेरे तरफ आने तक कितना मेरा पैसा खर्चा होगा, मुझे कितनी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। एक एडवर्टाइजमेंट मैंने 10,000 रुपये की दिया या 20,000 रुपये की दिया, उसमें मुझे कितने कस्टमर आएंगे, मेरी कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की, कितना प्रोडक्ट बेचे जाएगा, तो वो मुझे देखना होगा। समझो मैं एक मोबाइल शॉप चालू किया हूँ, और मैंने अभी बोला कि ये नई कंपनी है और ये मोबाइल है, और मैं एक 20,000 रुपये की एडवर्टाइजमेंट देता हूँ, और मेरे 10 मोबाइल बेचे जाते हैं वो एडवर्टाइजमेंट में, तो मुझे कितना पड़ेगा, कितना खर्चा है, कितना मुझे 20 मोबाइल में कितना पैसा मिलेगा, 20,000 रुपये मिलेगा, और 20,000 का खर्चा हो रहा है एडवर्टाइजमेंट में, क्या पूरेगा मुझे। ऐसा है कि एक बार एडवर्टाइजमेंट देंगे तो उसका फिर इफेक्ट आते जाएंगे, और एक बार के एडवर्टाइजमेंट मुझे 1 महीना तक चलेंगे, और मुझे वो बेचते बेचते मैं 200 मोबाइल बेच सकूंगा, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट देने के बाद में या मैंने मार्केटिंग के लोग घुमाए, या मैंने किसको कमीशन दिए मोबाइल बेचने के लिए, या जो भी कुछ मैंने किया है, तो मेरा कस्टमर को कमाने के लिए, कस्टमर मेरे यहाँ आने के लिए और कस्टमर ने माल खरीदने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, कि भाई अभी मैं कस्टमर तो आया, अभी समझो कार है, कार के लिए कस्टमर आया, कस्टमर कार खरीद रहा है, मगर अभी कस्टमर को मुझे डिलीवरी देनी की है और उसके घर तक वहाँ कार पहुँचाने की है, तो उसको कितने प्राइस लगेंगे। समझो मुझे कस्टमर को रेफ्रिजरेटर बेचना है, तो कस्टमर को वो तो बोलता मेरे घर पे भेजो, तो मुझे वो कितना पैसा लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि समझो बाहर में बेचता हूँ मेरा माल, तो बाहर जाने के बाद में वहाँ का वेयर एंड टीयर टूट फूट हो गई, फिर उसका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, डैमेज माल आएगा तो डैमेज में मुझे कितना डैमेज हो जाएगा, उसमें से मेरे को कितने पैसे काट के सामने वाला देगा,
ये सब कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कितनी है वो भी मुझे लेनी पड़ेगी, और वो हिसाब से फिर मुझे बाजार का मूल्यांकन करना पड़ेगा। फिर मुझे ये देखना है कि मैं जो ऑफर दे रहा हूँ उसमें कुछ यूनिक है क्या, मेरा माल तो ठीक है, माल का को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरा ऑफर यूनिक है क्या। ऑफर यूनिक मतलब ऐसा है कि अभी एक केमिस्ट है, उनने मार्केट में चालू किया है कि भाई हमारा, मैं जेनरिक प्रोडक्ट बेचूंगा और जेनरिक दवाइयाँ बेचूंगा, और उसने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट किया, और अभी 10% से लेकर 90% तक उसने बोला मैं कम प्राइस में माल बेचूंगा, 10 to 90% कम। और जब वो लोगों को मालूम पड़ा तो वहाँ एकदम धूम चालू हो गई, क्योंकि उसका यूनिकनेस ये था कि बाकी जगह तो पूरी प्रिंटेड प्राइस है उसके ऊपर माल मिल रहा है, और इन्होंने इतनी जाहिरात किया कि भाई वहाँ उनको 10 से 90% कम में माल मिलेगा प्रिंटेड प्राइस से, वो उसने अनाउंस कर दिया, और एकदम वहाँ भीड़ बहुत होने लगी, क्योंकि ऑफर जो थी वो बहुत ही यूनिक ऑफर थी, तो इसलिए बहुत भीड़ चालू हो गई। तो वो देखना पड़ेगा कि मेरे ऑफर यूनिक है क्या या मेरा प्रोडक्ट यूनिक है क्या। आपका माल चलने के लिए या आपका धंधा, आपका एंटरप्राइज बड़ा होने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप फर्स्ट वन है क्या मार्केट में, फर्स्ट वन कि आप वहाँ मार्केट में कोई भी नहीं है ना, आप पहले आ गए मार्केट में, फर्स्ट वन है क्या, आप ओनली वन है क्या, बाद में कोई आया नहीं और आप अकेले कर रहे धंधा, फर्स्ट वन है, ओनली वन है, बेस्ट वन है, बेस्ट है आपकी सर्विसेज, माल एकदम बेस्ट है, तो ओनली वन, फर्स्ट वन, बेस्ट वन, ये आपका है क्या, और ये हो सकता है क्या, तो फिर वो मार्केट में आपको बहुत आसानी से माल बेचना भी होगा और आप बहुत तरक्की कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच।